हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। सो अभिनव इज बैक ऑन माय चैनल। जैसे कि आप सब लोग अभिनव को देखना चाहते थे, हम दोनों की वीडियोस साथ में देखना चाहते थे, तो मेरी आज की वीडियो है कि हमने अपने वेडिंग के डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमारे आउटफिट्स कैसे प्लान किए, क्या क्या आउटफिट्स पहने। और इस वीडियो से आप काफ़ी सारे टिप्स पिक कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की शादी होने वाली है या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में वेडिंग है, तो आपको इससे काफ़ी सारे आइडियाज मिल सकते हैं कि आप किस तरीके के सेरेमनी के लिए कैसे आउटफिट्स पिक करें। इसमें आपको सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल्स के बारे में भी थोड़ा जानने को मिलेगा, क्योंकि आप हर जगह देखते होंगे सिर्फ फीमेल के कपड़े हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा मेल्स का भी दिखा देंगे। सो सबसे पहली मेरी सेरेमनी थी आई बुड़ो भात, विच इज द बंगाली बैचलरेट सेरेमनी, विच ऑफ कोर्स इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड नियर एंड डियर वंस। तो इसके लिए जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, कॉरल ऑरेंज कलर की सीक्वेन अनारकली ड्रेस पहनी थी और इसके कोल्ड शोल्डर स्लीव्स हैं, विच इज वेरी इन दीज डेज। एंड इसके नेक पे आप देख सकते हैं काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुई हुई है, जो कि इसको बहुत ही एक रिच और एक एथनिक लुक दे रहा है। एंड साथ में इसका ये हैवी दुपट्टा था, जो कि मुझे लगता है इस आउटफिट को कम्प्लीट कर रहा है। तो इसका प्राइस रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज था। और ये किसी भी स्मॉल सेरेमनी जो आपके घर पे हो रही है, कोई भी पूजा हवन या कोई भी इस तरीके की इनिशियल जो वेडिंग सेरेमनीज है, उसके लिए परफेक्ट रहेगा। तो अब हम चलते हैं अभिनव के आउटफिट पे। तो अभिनव का आउटफिट में से फर्स्ट आउटफिट क्या था? पहला हमारे घर में सेरेमनी था शुभ आरंभ के लिए, पूजा और हवन। उसमें मैंने रेड कलर का खाकी कुर्ता पहना था और साथ में चूड़ीदार व्हाइट पजामा और उसके ऊपर एक नेहरू जैकेट, ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर की नेहरू जैकेट पहनी थी। रेड कुर्ता अराउंड 1,000 रुपीज का था और पजामा 500 रुपए का और नेहरू जैकेट 4,000 रुपए की। तो आप अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं कि आपको क्या कलर लेना है। और एक ये पूजा या हवन के लिए ऐसे कुर्ता पजामा बहुत एथनिक रहता है, और थोड़ा उसको रिच करने के लिए आप ऊपर नेहरू जैकेट पहन सकते हैं with pocket square, जो आपके कुर्ते से match ceremony. For any smaller, कोई भी छोटा ceremony हो आपके घर में, सिर्फ शादी के लिए नहीं, और भी कोई otherwise और भी कोई छोटे functions होते हैं, तो इसमें अच्छा look देता है। और इसमें आप चाहे पतले हो या मोटे हो, तो अच्छा look आता ही आता है। तो मेरी next ceremony थी मेहंदी ceremony, and मेहंदी ceremony के outfit की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि आप इस picture में देख पा रहे हैं, इस तरीके का bottle green टियर्ड ऐसे स्कर्ट था और उसके ऊपर ये बेज में एम्ब्रॉयडरी किया हुआ टॉप। तो मुझे अपनी मेहंदी सेरेमनी के लिए बहुत ही मेहंदी अप्रोप्रिएट कलर चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये बॉटल ग्रीन कलर पिक किया। एंड ये मैंने अपनी चाची जो कि एक बुटीक रन करती है अपने घर में, उनसे डिजाइन करवाया था। तो आपको 7,000 to 10,000 के बजट में इस तरीके का क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट या लहंगा आराम से मिल जाएगा। तो जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे, मैंने सिर्फ एक साइड मेहंदी लगाई हुई है, बिकॉज इट वॉज एन इंटरकास्ट वेडिंग एंड मैं दोनों टाइप के ट्रेडिशंस फॉलो करना चाहती थी, तो मैंने एक साइड मेहंदी लगाया एंड दूसरे साइड वेडिंग डे पे मुझे आलता लगाना था, इसलिए मैंने जो ये वाला साइड है ये खाली छोड़ दिया था। तो मेरा नेक्स्ट आउटफिट था अगेन बंगाली पूजा सेरेमनी, जिसको नानी मुख कहते हैं। तो इसके लिए अगेन ट्रेडिशनल, बिल्कुल बंगाली ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना था, तो मैंने ये रेड कलर की बहुत ही विंटेज लुक की साड़ी पहनी थी। एंड इसके साथ मैंने अपनी मदर की गोल्ड ज्वेलरी टीम करी थी। एंड ब्लाउज में अगर आप देख सकते हो तो रफल्स हैं, रफल ब्लाउजेज आर वेरी इन दीज डेज। एंड इस तरीके की साड़ीज आपको अराउंड 2,000 to 3,000 बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो एक तो ये बहुत क्लासिक लुक देती हैं, और लुक के साथ साथ मुझे लगता है कि इस तरीके का जो साड़ी एंड गोल्ड ज्वेलरी का लुक है वो टाइमलेस है। नो मैटर आप खुद ब्राइड हो, सिस्टर ऑफ द ब्राइड हो या कोई फ्रेंड हो, मुझे लगता है इस तरीके का लुक ऑलमोस्ट हर लेडी पे बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम आते हैं जो मेन वेडिंग सेरेमनीज थी उसकी फर्स्ट सेरेमनी, विच इज एंगेजमेंट, विच वॉज अ डे बिफोर द वेडिंग, जो कि शादी से एक दिन पहले था। तो पहले हम देखते हैं कि अभिनव ने क्या आउटफिट पहना था अपने एंगेजमेंट पे। एंगेजमेंट के लिए मैंने काफी ढूंढा, तो उसके बाद लेकिन मेरे को एक कुर्ता पजामा ही पसंद आया, क्रीम कलर का। उसको थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए, एक एंगेजमेंट अप्रोप्रिएट लुक देने के लिए, उस कुर्ते पजामे के ऊपर मैंने एक ब्लू कलर का लॉन्ग जैकेट लिया, जो गला बंद था। ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, तो हर जगह मैं वही यूज करता हूँ, वही पहनता हूँ। उस ब्लू जैकेट को इंडो वेस्टर्न के नाम से वो मार्केट में बिकता है। और साथ में मैंने
नॉर्मल जूती या नॉर्मल चप्पल लेने के बजाय पेटेंट लेदर शूज लिए थे जो शाइनी रहते हैं और वो इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ काफी अच्छे से जा रहे थे। इंडो वेस्टर्न ड्रेस में आप एक अच्छा सा ब्रोच भी लगा सकते हैं जो थोड़ा क्लासी लगेगा, ज्यादा ग्लिटरी या कुछ ऐसा मेरे को पसंद नहीं है, शायद आप लोगों को भी नहीं पसंद होगा, तो एक सिंपल क्लासी लुक के लिए आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर इस ड्रेस में मैं प्राइस की बात करूं तो मैक्सिमम आपका इंडो वेस्टर्न जैकेट में ही जाएगा जो अराउंड 10,000 to 12,000 का आता है, 2,000 to 3,000 आपका कुर्ता पैजामा में जाएगा, और पेटेंट लेदर शूज आप अपने ब्रांड के हिसाब से भी ले सकते हैं, मैंने 2,000 के लिए थे। ग्रेट, सो कमिंग टू माय एंगेजमेंट आउटफिट, तो मुझे एंगेजमेंट में गाउन पहनने की इच्छा थी, एंड ऐसा गाउन पहनने की इच्छा थी जिसमें बहुत सारा कैन कैन हो नीचे, जिसमें बहुत सारा फ्लेयर रहता है, बिकॉज मुझे अपनी वेडिंग पे साड़ी पहनना था, एक बंगाली लुक था, तो मैं चाहती थी कि मोर कैजुअल या मोर ऐसे ड्रेसी लुक हो एंगेजमेंट में। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये क्रीम कलर या आप कह सकते हैं बेज कलर का गाउन जिसकी केप स्लीव्स थी, तो इसकी स्लीव्स बहुत ड्रामेटिक थी, एंड इसका स्लीव्स ही फर्स्ट रीजन था कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, बिकॉज जनरली जो हम लहंगा और क्रॉप टॉप्स या लहंगा और ब्लाउज पहनते हैं नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे कुछ डिफरेंट पहनना था तो मैंने इस तरीके का एक गाउन पिक किया, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं कि जब अभिनव ने मुझे स्टेज पे रिसीव किया तो मैंने अपना हैंड रेज किया, तो जो वो केप स्लीव्स हैं वो कितनी मतलब लार्जर देन लाइफ लग रही हैं, एंड एंगेजमेंट वेडिंग पे इस तरीके के लुक्स काफी अच्छे लगते हैं, एंड इसके जो टॉप पोर्शन पे है अबव द चेस्ट एरिया, इस पे आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा पर्ल एंड सीक्वेंस से हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो जैसे कि मेरा लीन फिगर है तो इस तरीके के फिगर पे ये गाउन्स बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा हैवियर साइड पे भी हैं तो आप जो कैन कैन है उसे अवॉइड करके इस तरीके के गाउन्स पहन सकते हैं। और इसके अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये अराउंड 40,000 to 50,000 की रेंज का गाउन है, एंड इस प्राइस पॉइंट पे ही मुझे इस तरीके का एक एंगेजमेंट आउटफिट पिक करना था। एंड एक और बात हम दोनों आपको कहना चाहते हैं कि जब आप अपने कोई भी वेडिंग के एंगेजमेंट या मेन शादी वाले दिन के आउटफिट्स पिक करते हैं तो ऑलवेज अपने फैमिली का या अपना पर्सनल जो बजट है उसको ध्यान में रखें। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने अगर लाखों का या बहुत महंगा कोई आउटफिट पहना है तो आपको भी उसी तरीके का आउटफिट चाहिए अपनी वेडिंग के लिए। जो भी आपके वेडिंग का एंटायर कॉस्ट है, मुझे लगता है मैक्सिमम अराउंड 10 to 20% आपके आउटफिट्स का कॉस्ट होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको अपने कपड़ों पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जो आपके मेन फंक्शन के कपड़े हैं यू शुड लुक गुड, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पॉकेट्स एकदम खाली हो जाए, बिकॉज मैक्सिमम आप एक से दो बार ही पहनते हो आउटफिट्स को, तो ऐसा ना हो कि आपके सारे पैसे आपके कबर्ड में ही बैठे रह जाएं, एंड आप जैसे एंड आप कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते थे उन पैसों से, तो तब आपके पास मनी की शॉर्टेज हो जाए। अब हम चलते हैं हमारे मेन डे यानी वेडिंग डे के आउटफिट्स में, तो पहले हम सुनेंगे कि अभिनव ने आउटफिट्स कैसे पिक किए एंड अभिनव के आउटफिट्स क्या क्या थे। अपनी वेडिंग आउटफिट के लिए ऑफकोर्स मैं इनको साथ लेके गया था पिक चूज करने के लिए, जैसा इन्होंने बोला हमारा इंटरकास्ट मैरिज था, तो मेरी वेडिंग के दिन 2 dresses थी, एक थी जो नॉर्मल पंजाबियों में यूज करते हैं और एक ड्रेस थी जो बंगाली। हाँ, बिकॉज बंगाली में ये ट्रेडिशन है कि ग्रूम को आउटफिट चेंज कराया जाता है, सो नो मैटर वो जो भी पहन के आए हो ही हैज टू चेंज इन जो ब्राइड्स फादर ड्रेस थे। यस, तो एक ड्रेस मेरे को इनके मम्मी पापा ने दिया था, विच वॉज धोती पंजाबी। तो पहले मैं अपनी ड्रेस के बारे में कहता हूँ जो हमने पंजाबीज में यूज किया था। मैंने एक ब्लू कलर का हैरम लिया था जो एक धोती का लुक देता है, और उसके ऊपर मेरा एक जूट कलर का जैकेट था जिसपे ब्लू एम्ब्रॉयडरी हो रखा था और साथ में एक ब्लू दुपट्टा था। सो जैसे मैंने बताया ब्लू इज माई फेवरेट कलर, तो मैं वही उसी पे जाता हूँ। नॉर्मल मेरे को जो आजकल मैरून और बेज या ब्राउन कलर का जो शेरवानी चलता है वो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता, तो थोड़ा मैंने डिफरेंट करने के लिए ये चूज किया था हैरम विद जूट लॉन्ग जैकेट। दूसरा, जब ये ड्रेस पहन के मैं विवाह मंडप में पहुंचा तो वहां पे मेरे को दूसरा ड्रेस दिया गया जो मैंने चेंज किया, वो था धोती पंजाबी। तो इनकी ड्रेस में भी पंजाबी वर्ड है और
वो मेरे पे काफी सूट कर रहा था. राइट. आप इमेज में देख सकते हैं. हाँ. एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बंगाली कुर्ता जो मेरे लिए स्पेशली कोलकाता से परचेज किया गया था और साथ में व्हाइट धोती. कुर्ते को पंजाबी बोलते हैं बंगाली में. और मेरे को एक टोपोर पहना गया था ऐसे मुकुट सा, वो भी आप इमेज में देख सकते हैं. And it was a new experience for me. What was the price तुम्हारे वो हैरम और ऊपर के जैकेट का? हैरम और जैकेट मेरे को कॉस्ट किया था 15,000. उसके साथ जूती भी आ गई थी नॉर्मल. और जो कुर्ता धोती और पंजाबी था वो कॉस्ट किया था अराउंड 4-5,000. धोती हम लोग तुम्हारे लिए लाए थे डिफरेंट, बट पंडित जी सजेस्टेड कि वो व्हाइट पहने जाए, तो वो तो ब्रांड न्यू रखी रह गई. व्हाइट धोती पहनी थी व्हिच वाज ऑफ कोर्स फ्रॉम पंडित जी, सो हमें पता नहीं था उसका. अच्छा हुआ व्हाइट धोती पहनी क्योंकि मेरे को मैरून कलर वैसे भी अच्छा नहीं लगता है. सो नाउ कमिंग टू माय डीडे आउटफिट जो कि आई थिंक मेन इवेंट का आउटफिट था. ये था फूशिया पिंक बनारसी बंगाली साड़ी एंड इसके साथ मैंने कंट्रास्ट ये ग्रीन कलर का जरदोजी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ब्लाउज पहना था एंड ये नेक का पिंक कलर का दुपट्टा था जो कि वेल कहते हैं बंगाली में एंड ये पूरे जो आउटफिट है इस लुक को कंप्लीट करता है. तो ये आउटफिट मैंने कोलकाता में प्रियो गोपाल बिशोई से पिक किया था एंड इट वॉज फॉर अराउंड 15,000 रुपीज. तो बंगालीज में बिकॉज ट्रेडिशनल लुक में साड़ी पहनते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है. 15,000-20,000 में एट द मैक्स काफी अच्छी ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी आ जाती है. लेकिन अगर आप अपने वेडिंग आउटफिट के लिए लहंगा सोच रहे हैं तो एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 40,000-50,000 आपको बहुत डिसेंट लुकिंग लहंगा मिल जाएगा. जैसे कि मैंने अपनी फ्रेंड ऋषिका हु रिसेंटली गॉट मैरिड उससे भी मैंने पूछा कि उसका जो एक्सपीरियंस था चांदनी चौक में शॉपिंग का तो क्या प्राइस पॉइंट थे लहंगे के, तो उसने बोला अराउंड 50,000 अप्रॉक्स रेंज में काफी अच्छे वेडिंग लहंगा अवेलेबल है. ऑफ कोर्स जितना आप ऊपर जाएंगे प्राइस रेंज में उतना आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी या उतना हैवी वर्क मिलेगा, तो उस हिसाब से उसका प्राइसिंग इंक्रीज हो जाता है. एंड देन जो ब्रांडेड शॉप्स हैं उनकी तो कॉस्ट है ही. एंड डिजाइनर आउटफिट्स की मैं बात नहीं करी बिकॉज दे आर एनीवेयर 5 lakhs एंड अबव. तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल जो ब्राइड और ग्रूम के वेडिंग आउटफिट्स का खर्चा था, इसमें कोई ट्रूसो के आउटफिट्स नहीं आ रहे हैं जो हम ब्राइड या ग्रूम को अलग से देते हैं, सिर्फ ये जो फंक्शंस में आउटफिट्स पहने ये अराउंड 1.5-1.5 lakh टोटल इनका खर्च था. एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन आप कोई गाउन पहन रहे अलग या आप वेडिंग में लहंगा पहन रहे हैं तो ये 2 lakh प्लस भी जा सकता है. तो दिस डिपेंड्स ऑन कि आप क्या क्या आउटफिट्स पिक करें. हमारा ये कॉस्टिंग था एंड आई थिंक यही बजट हमारा मतलब हमने यही बजट सोच रखा था कि इसी में हमें आउटफिट. Which is okay, yes. I think because yes. generally brides इससे भी ज़्यादा हाँ जी पैसे खर्च करती हैं. Yes, which I did not. Yes, this is the like perfect figure for us. It may be different for you. But advice यही है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए. हो सकता है हमने भी ज़्यादा खर्चा किया आपके point of view से. So it depends individual to individual. But जैसे कि मैं देखती हूँ कि इस तरीके के videos की बहुत कमी है YouTube पे and specially bride और groom जहाँ पे साथ में आके इस तरीके के मतलब detailed में price and कहाँ से लिया क्या outfit किस function में अच्छा लगेगा lack करता है इस तरीके की videos. तो ये बहुत अच्छा एक I think content होगा आप लोगों के लिए कि आप इससे idea लगा सकें कि अगर आपके घर में शादी आ रही है या अगर आपकी खुद की शादी है तो आप किस तरीके के आउटफिट्स में इन्वेस्ट करें. और आप देख सकते हैं कि आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है और आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं शादी में. वैसे हमारी राय तो यही है कि शादी में 0 paisa इन्वेस्ट होना चाहिए. मंदिर में कोर्ट में शादी होनी चाहिए. यस बिल्कुल बेस्ट. ठीक है तो ये थी मेरी आज की वीडियो वेडिंग आउटफिट्स के ऊपर. आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आपको आउटफिट से लेके कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा. आपको अभिनव से कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. और मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. बाय 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 बाय.